हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू व्लॉग में। मैं कपड़े बदलने क्योंकि आज है जुमा और बस रोटी लेने जा रहे थे। असल में हमारे गेस्ट आए हुए हैं घर पे, तो हम रोटी लेने जा रहे हैं। शायद 15 करीब रोटी लानी है और दही, बस यही चीज़ लानी है। और आज जुमा के दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी आज मस्जिद में, ये वाली मस्जिद में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, शीर मस्जिद हमारी। आपको दिखाऊँगा मैं कितनी भीड़ होगी। वैसे मैं उधर पढ़ूंगा नमाज, यहाँ देर में होती है थोड़ी, उधर नमाज़ पढ़ के फिर आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा कैसा लगता है आपको। चले फिर चलते हैं और नान लेकर आते हैं। आज जुमा है इसलिए पुलिस आई हुई है कितनी। तो यार रोटी लेके तो आ चुका हूँ मैं, यही रोटी और वगैरह दही वगैरह। और भाई धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब ना इसलिए मैं पहले नहाया नहीं क्योंकि पता था अगर मैं वहाँ तक जाऊँगा तो पसीने में लथपथ जाऊँगा पूरा, और ऐसे ही हुआ, पूरा पसीने में लथपथ हुआ। और आज पुलिस भी आई हुई है कि आज जुमा है। और असल में दारू में ध्यान देना आते हैं इस टाइम, ईद के बाद आते हैं, इसी वजह से और ज़्यादा भीड़ है, इसी वजह से पुलिस आई हुई थी। बस ये देखे आए नहा धो के, फिर रेडी हो गए, फिर मिलते हैं आपसे। हो चुके हैं रेडी, अब जल्दी से चलते हैं नमाज को। नमाज में रहेगा सिर्फ 2 मिनट और ये अजान हो रही है तकबीर के लिए, जल्दी चलते हैं। खुतबा भी शुरू होने वाला होगा, कोशिश करेंगे कि खुतबे से पहले पहुँचे वहाँ। धूप ने भाई तबाह कर दिया भाई, इतनी तेज़ धूप हो रही है, जल्दी क्या फ़ायदा होगा नहाने का, नहा के आए फिर दोबारा वही। फिर भी चलते हैं आपको और फिर मिलते हैं नमाज के बाद। नमाज़ पढ़ के तो आ चुके हैं अभी, बिल्कुल अभी निमटी है नमाज़। और आज जगह मिली नहीं, आज जगह मिली बिल्कुल बाहर, वो भी शहर में बिल्कुल धूप में, तब तो ही धूप हो रही थी बिल्कुल, लेकिन पढ़नी पड़ी भाई नमाज़, तो पढ़नी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कितनी भीड़ हो रही है, कम भीड़ है पहले से, वरना इतनी भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस नमाज़ पढ़ के तो आ चुके हैं, अब खाना खाएँगे फिर मिलेंगे। गाइस मैं अभी लेट ही था और मैं उठ के देख रहा, मैंने दोपहर का टाइम हो रहा है और मौसम देखिए क्या हो रहा है, क्या ही मौसम हो रहा है यार। यहाँ से बंद है यार, सो जाते हैं, यहाँ से दिखाऊँ आपको मौसम। दूसरी जगह इधर से घूम के आया मैं, इधर था असल में पहले, उधर वो रास्ता बंद हो रहा है तो इधर से आया मैं, मौसम दिखाना है आपको। मौसम देखिए क्या हो रहा है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है। और ये टाइम हो रहा है शायद 3 बज रहे हैं 3, जब बिल्कुल कड़कती हुई धूप होती है उस टाइम, इतना अच्छा लग रहा है मौसम भी, इतना और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वाह। और ये नज़ारा, तो गाइज आज हम चलते हैं, आपको करवाते हैं टूर रशीन मस्जिद का। अभी उधर का गेट तो बंद हो रहा था तो इधर से चलते हैं, ये आपको दारूम दिखेगा इधर, और इधर रशीन मस्जिद, इधर जाके गेट होगा, उधर जाके तो इधर दिखाऊंगा आपको। तो गाइज ये है मेन गेट, देख सकते हैं आप घुसते ही, और बेहतरीन व्यू आ रहा है यहीं से ही, देख सकते हैं आप पूरा ये होल स्विमिंग पूल, उस साइड चल रहे हैं ये उधर से। तो गाइस ये है आपका पहला गेट, पहला नहीं खुलता नहीं जल्दी से, ये खुलता है शायद ईद वीद के टाइम, ये आपका है पहला गेट। इधर जाते ही हम चलेंगे यहाँ, ये आपका मिल जाएगा दूसरा गेट, शायद ये वाला मेन गेट है, वो मैंने गलती से बोल दिया, वो मेन गेट है, ये वाला शायद मेन गेट है, ये जुमा के दिन और ईद के दिन शायद खुलता है उसी दौरान। ये दूसरा गेट हो गया और इसी के आगे चल के ये तो हौज़ है आपकी वजूजू करने की, उधर है पूरी, उधर भी हौज़ है। और ये आपको बिल्डिंग दिख रही है वाली बड़ी वाली, ये सब हौज़ इस्तंजा वगैरह हैं। और ये भी अभी इसमें पानी नहीं भरा हुआ। और ये आपका है तीसरा रास्ता, ये तीसरा, और एक जो मैं वहाँ से आया वो है आपका चौथा। यहाँ सबसे पहले घुसते ही
बड़े खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए फिर अंदर चलते हैं आपको, चलिए। तो गाइस अंदर घुस चुके हैं और ये देखिए आप घुसते ही कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है, ये देखिए आप। यहाँ बहुत ज़्यादा वो है खोने का जूते, इसलिए पहले ही हाथ सेफ्टी लेके चलो, उधर साइड रखेंगे जाके उधर। यहाँ भी है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा खोते हैं जूते, कम से कम 2-3 जोड़ी तो मेरी खो गई यहाँ, इसलिए ध्यान से रखने पड़ेंगे जूते। चलिए यहीं पर छुपाते हैं, छुपाएंगे हम यहाँ को, छुपा देते हैं। दिख रही है नाली से ही चलती रहेंगी तो यहीं को रख देते हैं जूते, ये रख दिए हमने जूते आपके। चले भाई फिर चलते हैं आगे, जब हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ जाएगा एक बड़ा सहन अंदर बाहर, देखिए वो काफ़ी बड़ा सहन। तो भाई ये एक इधर रास्ता है और एक उधर रास्ता है जाने का, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं और ये जा रहा है ऊपर दूसरी मंजिल पे। पहले मैं नीचे दिखा दूँ फिर आपको ऊपर दिखाऊंगा, ये भी जूते रखने का वगैरह, और इधर से भी नीचे जाने का, इधर से ये दूसरी जगह निकलता है रास्ता। चले अंदर को चलते हैं, ये जा रहा है आपका तहखाना, ये नीचे को यहाँ से यहाँ पूरा, अभी इसके बाद चलेंगे, पहले आपको अंदर से दिखा दूँ मैं। और यहाँ भी ये दालान टाइप, और ये है आपके अंदर का, अभी लाइट भाग रही है, ये देखिए आप अंदर का व्यू। अंदर का तो आपने देख लिया है, एक दफ़ा आपको बाहर का सहन दिखा दूँ पूरा घुमा के 360 डायरेक्शन में। चलते हैं तो हम आ गए हैं सहन में, बीच में को चलते हैं फिर आपको पूरा दिखेगा, ये बहुत काफ़ी बड़ा सहन है। आज मैंने नमाज यहीं पढ़ी थी, इतनी तेज़ धूप हो रही थी कुछ इतनी, लेकिन अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये चलिए अब लेके चलते हैं आपको तहखाने में, उसके बाद आपको ऊपर का दिखाऊंगा मैं, फिर तहखाने में चलते हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा होगा लेकिन चलते हैं आपको दिखाने के वास्ते। चले चलिए। तो वैसे आ चुका है हमारा तहखाना, ये रास्ता है नीचे को, बहुत सारे रास्ते हैं उधर भी इधर भी, और ये नीचे जाने का रास्ता। चले चलते हैं नीचे, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो ये तो बंद हो रहा है, ये वाला रास्ता बंद हो रहा है, देखिए यहाँ पढ़ाई होती है पूरी, देखिए यहाँ इंसान वगैरह होते हैं, इधर इधर अंदर पूरा ये पूरा हॉल है एक, यहाँ एतकाफ वगैरह भी होता है और यहाँ इम्तिहान भी होते हैं, और ये पूरा रास्ता है, यहाँ यहाँ रहते हैं लोग, ये पढ़ने आते हैं, उनके यहाँ कमरे भी हैं तहखाने में। दूसरे रास्ते चलते हैं, ये उधर शायद खुला, उधर उधर देखते हैं, अंधेरा ही बहुत ज़्यादा होगा शायद, रोशनी की लाइटिंग कम आ रही होगी, माफ़ करना। चलिए भी चलते हैं। चलिए फिर ये वाले रास्ते देखते हैं, शायद ये खुला हुआ वाला रास्ता, देखिए अब चले, हाँ खुला है रास्ता है, लोग रह भी रहे हैं। आपको मैं बताऊँ, उधर से वो उस जगह से मैं झाँक रहा था वहाँ उधर से घूम के, तो वहाँ से गेट बंद है, तो इधर पूरे मौलियों के हमने इधर इधर से लेके और उधर तक, ये भी इधर पूरे कमरे हैं, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, दुआ हुआ पढ़ लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अंधेरा है, ये वाला रास्ता भी तहखाने में जाता है जहाँ से हम आए, बहुत सारे रास्ते हैं तहखाने में आने में, और ये भी ऊपर जाने का भी बंद हो रहा है, ये शायद ईद वीद पे ही खुलते हैं रास्ते, क्योंकि ना बच्चे जाएं, क्योंकि ऊपर कोई सेफ्टी वेफ्टी नहीं है, उस मीनार पे जाने के लिए वहाँ कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है, इसलिए बंद कर रखे हैं। और ये एक और रास्ता है नीचे जाने का,
जहाँ से मैं आया भाई पूरा एक गोलाई में ही खेते खाना पूरा इधर से लेके इधर, ये भी एक रास्ता जाता है वहाँ और ये रास्ता जा रहा है आगे ऊपर। चले चलते हैं, बस ऊपर का रास्ता खुला हो कहीं बंद कर दिया हो, नमाज के टाइम खुलता है शायद जुमा में, तो देखते हैं। जुमा है लेकिन ऊपर में दिखा नहीं पाया आपको, चलिए ऊपर चलते हैं। मेरे ख्याल से बंद हो रहा है, देखिए अंदर जाके बंद है रास्ता है, ऊपर भी रास्ता नहीं है भाई, खुला है, सब जगह बंद है। और ये आ चुके हैं यहाँ बालकनी, देख सकते हैं आप ऊपर चला, यहाँ रास्ता बंद है इधर का भी और ऊपर का भी। मैं सोच रहा था आपको दिखाऊंगा जुमा है, लेकिन शायद जुमा की नमाज में खुलता है। और ये भी संजय है इधर, और ये वाली भी बैतुल खला वगैरह इधर, और वो बिल्डिंग है बहुत खूबसूरत है, वो लाइब्रेरी की तरफ है। और यहाँ से पूरा नज़ारा तो नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा आ रहा है व्यू। वही गाइस चलते हैं फिर नीचे ही, यहाँ तो एक तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और ऊपर से बंद है और सारा वो ख़राब हो गया। चलिए नीचे को दिखा दी मैंने आपको, दिखाऊंगा मैं जुमा के दिन, अगले जुमा में ऊपर का खुल जाएगा फिर दिखाऊंगा आपको ऊपर का, तो देख ले कहाँ रखे थे। चले मैं तो भूल गया किस साइड रखे थे जूते, ढूंढने पड़ेंगे, नाली भी एक जैसी है सब, शायद उस साइड रखे थे वहाँ कहीं। चलिए देखते हैं बाहर जाके, शायद इस साइड रखे थे यहाँ कहीं, इसी साइड रखे थे, देखते हैं। वो भी एक जैसी है और ये भी एक जैसी है, काश मिल जाए जूते कभी, ये भी ख़त्म, देखते हैं देखते हैं। हाँ जी है। शुक्र है कि मिल गए जूते। वैसे आप बताना कि आपको कैसा लगा, ये रशीद मस्जिद कैसी लगी आपको, और व्यू बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इस व्यू देखिए आप यहाँ का, क्या ही आ रहा है, जस्ट बिल्कुल अभी उठे हैं खाना खा के। और आप ये बताना है कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और ख़ास तौर से कि रशीद मस्जिद का टूर कैसा लगा आपको। मैंने पूरी तो नहीं दिखा पाया क्योंकि ऊपर का बंद था, नीचे का भी बंद था, आपने देखा होगा, बट जितना हो सके मैंने आपको दिखाया। आगे भी और थोड़ी जगह है इंशाल्लाह, वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा आपको। चलिए फिर मिलते हैं आपको कल को एक और न्यू व्लॉग के साथ। Thanks for watching. Bye.